बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हाउ यू हैव टू स्पेंड योर वेकेशंस? वेलकम टू द पिशावर मॉडल स्कूल बॉयज़ 3 जूम ऑनलाइन क्लास। आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड टुडे वी टू स्टार्ट अ लेक्चर ऑफ इंग्लिश ऑफ क्लास 2, राइट? The topic is related to your unit. It's unit 2, my home and city. My home and city, spelling of home, H-O-M-E, home. And spelling of city, C-I-T-Y, city. Home, home mean ghar. City, city mean shahar. Now, what is home? होम इज अ प्लेस वेयर वन लिव। घर, उर्दू में हम इसे क्या कहते हैं? घर। घर वो जगह होती है, वो एरिया होता है जहाँ पर कोई रहता हो, ठीक है? राइट, लुक हियर द पिक्चर ऑफ अ होम। होम अ प्लेस वेयर वी लिव विद आवर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मीन ब्रदर एंड sister, sibling mean brother and sister, and parents mean father and mother, is called home, right? Home वो जगह है, वो place है जहाँ हम रहते हैं, with, among, के साथ, our यानी हमारे जो बहन भाई हैं उन्हें हम siblings कहते हैं, एंड पेरेंट्स यानी हमारे मम्मी पापा जो हैं उन्हें, उनके साथ हम घर में रहते हैं, दैट्स कॉल्ड अ होम। नाउ अब नेक्स्ट पे आएंगे, पार्ट्स ऑफ होम। पार्ट्स ऑफ होम, अब देखें, दीज आर आउटसाइड पार्ट्स ऑफ होम। ये तमाम जो पार्ट्स आपको देख रहे हैं, लुक हियर, दीज आर आउटसाइड एरिया ऑफ अ होम, राइट? व्हाट इज दिस? फुल, आप देखें इस कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग को, व्हाट इज दिस? व्हाट वी हैव टू कॉल इट? इट्स अ हाउस। होम और अ हाउस बोथ आर करेक्ट, घर यानी कि। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? दिस इज आउटसाइड पार्ट, लुक हियर, ये जो हाउस के साथ ये वाला पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे? नाउ गैराज, गैराज आप उर्दू में हमसे कहते हैं गैरेज। सो गैरेज में क्या होता है? हम कार्स को पार्क करते हैं, कार्स का पार्किंग एरिया होता है, ठीक है? नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या चीज़ है? कार, इट्स अ नाउन, इट्स अ व्हीकल। नाउ सेकंड देखिए, ड्राइववे। ड्राइववे क्या होता है? वो रास्ता जिससे गाड़ी को पार्क करने के लिए लेके जाया जाता है, वे मीन रास्ता। कम टू द नेक्स्ट, इट्स अ रूफ। अब आप देखें रूफ, रूफ क्या आप देखें शेप, वी शेप में, उल्टा वी हम करें, रूफ मीन होता है छत, घर का सबसे ऊपर वाला जो एरिया होता है, जगह होती है। नाउ लुक हियर, व्हाट इज दिस? विंडो, इट्स अ विंडो। विंडो कहते हैं खिड़की को। नाउ व्हाट इज़ दिस? ये कौन सा एरिया है? ठीक है, आप देखें ये बिल्डिंग से बाहर एक जगह सी बनी हुई है, इट्स कॉल्ड अ बैल्कोनी। बैल्कोनी किसे हम कहते हैं? बैल्कोनी इज अ एरिया वेयर वी टू सिट और स्टैंड एंड वी लुक द आउटसाइड एरिया ऑफ आवर हाउस। बैल्कोनी में हम खड़े होके या बैठ कर हम अपने घर का जो आउटसाइड की सीनरीज होती है उन्हें देख सकते हैं, एरिया को देख सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस? ये क्या चीज़ है? It's a door, it's a way where we and it's a way, ये एक रास्ता है जहाँ से हम inside और outside घर के हो सकते हैं, ठीक है ना? Now come to this, next what is this? Path, path, this path is a way, ये वो रास्ता है जिसे हम घर में enter हो सकते हैं। Now letter box, look here, it's a box, a simple box, एंड इसका क्या फंक्शन होता है? इन सम ऑफ द कॉलोनीज और एरिया आप देखेंगे कि इस किस्म के लेटर बॉक्स होते हैं, उनका क्या काम होता है कि जो
पोस्टमैन होता है वो हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स या चीज़ों से रिलेटेड जो लेटर्स होते हैं वो इस बॉक्स में हमारे लिए डालकर चले जाते हैं। एंड व्हेन वी आर फ्री वी चेक आवर बॉक्स और हम अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने लेटर्स उठा लेते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं हमारे पास वी यूज़ डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, हम जो रूम्स होते हैं उन्हें जो डिफरेंट तरह के रूम्स होते हैं, देखें कुछ रूम्स हमारे स्मॉल होते हैं, कुछ बिग होते हैं, ठीक है ना, कुछ बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। ऑल रूम्स आर डिफरेंट फॉर वी आर यूज फॉर डिफरेंट थिंग्स, हम उन्हें डिफरेंट थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब हम कौन सी रूम्स की बात करें हैं, आउटसाइड एरिया के बारे में बात करें, किसके, घर के। कम टू द नेक्स्ट पिक्चर, इनसाइड पार्ट्स ऑफ अ होम, घर के जो इनसाइड पार्ट होता है उसके बारे में बात हो रही। अब उसके आप पिक्चर्स यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट में क्या आ रहा है हमारे पास, बेडरूम। ठीक है, बेडरूम वेयर वी स्लीप, बाथरूम वेयर वी टेक अ शावर, ठीक है, टू रिफ्रेश आवर सेल्फ, डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम का क्या काम होता है, डाइनिंग रूम, इन डाइनिंग रूम वी ईट आवर लंच और ब्रेकफास्ट और डिनर। कम टू द नेक्स्ट इज अ लिविंग रूम, ठीक है, इट्स अ लिविंग रूम। नाउ वेयर वी सिट, वी वॉच टेलीविजन्स, वी इंटरटेन आवर गेस्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, किचन द मोस्ट फेवरेट एरिया, ठीक है, क्या होता है, वी कुक्ड, आवर मम्स कुक्ड हियर। नाउ गैराज, गैराज वी यूज फॉर कार्स, ठीक है, व्हीकल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, वी डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द होम, इनसाइड पार्ट्स आर, फर्स्ट इज बेडरूम, व्हाट इज इन द बेडरूम, लुक हियर, देयर इज अ बेड, अ सीनरी, अ टेलीविजन, साइड टेबल्स, कारपेट पीसेस। नाउ देयर इज अ कवर्ड आल्सो। कम टू द नेक्स्ट, समटाइम बाथरूम्स आर अटैच विद द रूम्स और समटाइम आउटसाइड ऑफ द रूम्स, बाथरूम वेयर वी टेक अ शावर। आप देख सकते हो यहाँ पर सिंक है, मिरर है, शावर एरिया है, ठीक है, बाथ एरिया है, देर इज़ अ टॉवल, ठीक है, एंड द रैंक फॉर द डिफरेंट थिंग्स। कम टू द नेक्स्ट, किचन, इन किचन एरिया वी सी डिफरेंट टूल्स, टेबल, देर इज़ अ वॉश बेसन, ओवन, ठीक है, कुकिंग रेंज, देन देर इज़ अ फ्रीज़र। कम टू द नेक्स्ट, डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम वेयर वी सिट एंड ईट आवर मील, राइट। कम टू द नेक्स्ट पिक्चर, लिविंग रूम और अ ड्राइंग रूम और हॉल और सिटिंग रूम, बोथ आर सेम्स, ठीक है, वेयर वी सिट वी आवर विद आवर सिबलिंग्स, विद आवर पेरेंट्स, विद द गेस्ट, we watch television, we do some chit chat with them, ठीक है, हम बातें करते हैं, right, हम अपने television watch करते हैं, ठीक है, we discuss different things or share different things with our parents, with our siblings or with the guest. Next पे आएंगे। Now here what she said, there is a girl, what she said, my home, look, अब उसका कहाँ पे इशारा है, घर की तरफ, मेरा घर, she said my home. Now, what is in her home? उसके घर में क्या है, देखते हैं, चलें जी। What she said? I am Maha. I in capital letter, M A M M Maha. M A H A Maha. Maha is a name. It's a noun. Name of a girl. I am Maha. Now, what is in next sentence? I am a Pakistani girl. I am a Pakistani girl. Pakistani, P-A-K-I-S-T-A-N-I, Pakistani. Now, why we call her Pakistani? हमने इसे क्यों Pakistani girl कहा है? क्योंकि the people who live in Pakistan, they call Pakistani. जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, चाहे वो children हैं, चाहे वो elders हैं, चाहे वो boys हैं, girls हैं, men हैं, women हैं, old persons हैं, they are called Pakistani.
जो भी पर्सन जिस मुल्क में रहेगा वो वहाँ का बशिंदा होता है ना, पर्सन होता है, तो हमसे किस तरह करेंगे, इट्स कॉल अ पाकिस्तानी. सो शी सेड आई एम अ पाकिस्तानी गर्ल. नाउ नेक्स्ट पिक्चर, दिस इज माई होम. व्हाट शी सेड, माहा सेज दैट आई एम माहा, आई एम अ पाकिस्तानी गर्ल एंड दिस इज माई होम. ठीक है, शी सेड दिस इज माई होम. And now, what is the next picture? She said, I live in it with my family. What she said? I live in it. Where? In home. वो कहती है, मैं रहती हूँ. Live. L-I-V-E. Live. L-I-V-E. Live. With. W-I-T-H. With. With mean के साथ. Family. F-A-M-I-L-Y. Family. F-A-M-I-L-Y. Family. Family mean खानदान, members. ठीक है. Now, she said, I am Maha. I am a Pakistani girl. I live in this house. And with whom? I live in it with my family. Look here, Maha, family. ठीक है, say hi. So, what is next? I have two brothers and sisters. Have, H-A-V-E, have. H-A-V-E, have. Brothers, plural है. ठीक है, भाई, एक से ज़्यादा मतलब. B-R-O-T-H-E-R-S, brothers. B-R-O-T-H-E-R-S, brothers. And sisters, sisters कहते हैं बहनों को. Again, plural, S लगाया हुआ है हमने. S-I-S-T-E-R-S, sisters. S-I-S-T-E-R-S, sisters. Now, I have two brothers and sisters. अब महा ने क्या कहा है, I am महा. I am a Pakistani girl and this is my home. हमने picture देखी हुई, I live with here with my family. And next उसने क्या बताया है, I have two brothers and two sisters. Right? Now clear? अब हम जा रहे हैं next पे. What is in next? It is my favorite place. Home, the house. क्या, कौन सी चीज़ के लिए उसने कहा कि उसका favorite place है, घर को. उसने कहा जो मेरा घर है वो मेरा फेवरेट, यानी कि लाइक है उसे, वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह उसके लिए उसका घर है. वाई, इट्स एरी एंड ब्यूटीफुल. इट्स एरी एंड ब्यूटीफुल. स्पेलिंग ऑफ फेवरेट, एफ ए वी ओ यू आर आई टी ई, फेवरेट. एफ ए वी ओ यू आर आई टी ई, फेवरेट. Place, P-L-A-C-E, place. Spelling of place, P-L-A-C-E, place. Spelling of airy, A-I-R-Y, airy. Airy mean हवादार, open area जो होता है. ठीक है, airy, A-I-R-Y, airy. Spelling of beautiful, B-E-A-U-T-I-F-U-L, beautiful. B-E-A-U-T-I-F-U-L, beautiful. Now what she said, it is my favorite place, it is airy and beautiful. Now what is next? Now she talked about the house, वो अपने घर के बारे में बात करी. Now these are bedrooms, it means there are two bedrooms in her house. उसके घर में कितने rooms, bedrooms हैं, two bedrooms. These are bedrooms mean यही है bedrooms, B-E-D R double O M S, bedrooms. Plural आ रहा है, ठीक है, S add हुआ है. Again noun में S add हुआ है, bedrooms. Bedrooms, right? Bedrooms. Again I repeat, now the next. This room is our kitchen. What she said? This room is our kitchen. यानी कि वो room ही है, लेकिन उसे क्या name दिया गया है, किचन का. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस रूम, किचन. वेयर वी कुक्ड, वेयर आवर मॉम्स कुक्ड फूड फॉर अस. कम टू द नेक्स्ट, अब यहीं पर देखें, दिस इज आवर बाथरूम. नाउ शी सेड दिस इज आवर बाथरूम, वी टेक शावर हेयर, वॉश आवर हैंड और फेस टू क्लीन आवर सेल्फ. ठीक है, बाथरूम. कम टू द नेक्स्ट पिक्चर, नाउ आ ड्राइनिंग ड्राइंग रूम और अ हॉल और अ लिविंग रूम और अ सिटिंग रूम, बोथ आर करेक्ट. ठीक है, हम इसे सिटिंग रूम भी कह सकते हैं, हम इसे टीवी लाउंज भी कह सकते हैं,
हम इसे लिविंग रूम भी कह सकते हैं और ड्राइंग रूम, बोथ आर करेक्ट. वेयर वी सिट, वेयर द गेस्ट केम. सो ड्राइंग रूम इज़ फॉर द गेस्ट. ठीक है, वी वॉच द टेलीविजन, वी चैट चैट विद द गेस्ट और विद द पेरेंट्स और विद द सिबलिंग्स. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट. What she said, Maha said, I share my room. Share mean bantna. Share, S-H-A-R-E, share. S-H-A-R-E, share. Room, R-O-O-M, room. R-O-O-M, room. With my brothers and sisters. What she said, कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ अपने रूम को, जो ये उसका रूम है, उससे वो कहती है कि मैं शेयर करती हूँ. किन के साथ? अपने ब्रदर एंड सिस्टर के साथ. ठीक है ना, ये आप देख रहे होंगे, दिस इज़ आ बंक बेड. ठीक है, बंक बेड की पिक्चर इस तरह से होती है. ठीक है, और रियल में भी बंक बेड होते हैं. नाउ कम टू द वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, अभी हमने चैप्टर के बारे में पढ़ा. द चैप्टर इज रिलेटेड टू माई होम एंड सिटी. इन माई होम एंड सिटी वी टॉक्ड अबाउट माई होम. So, about first para, these meanings are related to the first para. ठीक है ना, in the first para, words meaning, favorite in Urdu meaning pasandida, liked. ठीक है, number two is place. Now, place mean jagah. लोकेशन पोजिशन मीनिंग्स क्या रही है? लोकेशन पोजिशन. नंबर थ्री इज एरी. एरी मीन हवादार. नाउ एंड इन इंग्लिश मीनिंग इट्स ओपन, राइट? ओपन. नंबर फोर इज ब्यूटिफुल. इन उर्दू मीनिंग वी कॉल इट खूबसूरत. नाउ इन इंग्लिश मीनिंग इज pretty. It's pretty. Number five is sheer. In Urdu meaning we call it bantna, and in English meaning part portion. Number six, with mean in Urdu meaning ke saath, and in English meaning it's mean among. The word is among. I will repeat it again for you. Unit 2, my home and city. Words meaning, these words meaning are related to the first para of your unit. Favorite, it's English meaning like. Number 2, place, it's mean location. Number 3, airy, open. Now beautiful mean pretty. Then next is sheer mean part or portion. With mean among. Okay, next come to the first para of the unit. The first para of the unit, unit 2, page 13. Unit 2, page 13. ठीक है, I hope आपके साथ पास जो PDF होगा उसमें ये picture आई होगी. The same unit, unit 2, page 13. It's on page 13. आपका page 13 last में लिखा होगा. आपको easy रखने के लिए मैंने page number यहाँ front पर लिखा है. So, अब इसके बाद आप लोगों ने जब हमने paragraph पढ़ लेना है तो उसके बाद आपने वर्ड्स मीनिंग को लर्न करना है. ठीक है ना, अब लास्ट में मैं आपको बताऊंगी एज एन होमवर्क, आप इन्हें लर्न करेंगे, याद करेंगे उन वर्ड्स मीनिंग को. नाउ कम टू द रीडिंग ऑफ द यूनिट. हम यूनिट की रीडिंग पे आते हैं. ठीक है, लास्ट में आपको मैं होमवर्क भी दूंगी. माई होम एंड सिटी, क्या यूनिट का नेम है? माई होम एंड सिटी, मेरा घर और मेरा शहर. ठीक है, माई होम एंड सिटी. होम, H-O-M-E, होम. सिटी, C-I-T-Y, सिटी. नाउ अब इसमें देखें, लुक एट द पिक्चर एंड टेल व्हाट इज़ हैपनिंग. अब हम पिक्चर देख रहे हैं तो इसमें क्या हैपनिंग थी वो हम प्रीवियस कर चुके हुए हैं.
कि देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल एंड अ हाउस, इट्स मीन शी टेल्स अस अबाउट द हाउस. तो हमने उसके बारे में डिटेल अभी प्रीवियस हमने पढ़ी है. सो नाउ कम टू देयर. आई एम माहा, एज यूजुअल जिससे हमने पढ़ा था कि माहा ने अपने बारे में कहा आई एम माहा. आई एम माहा, आई एम माहा. आई एम आ पाकिस्तानी गर्ल, आई एम आ पाकिस्तानी गर्ल. दिस इज माई होम, दिस इज माई होम. नाउ आई लिव इन इट, नाउ इट्स द सेकेंड लाइन. ठीक है, आई लिव इन इट विद माई फैमिली, आई लिव इन इट विद माई फैमिली. I have two brothers and a sister. I have two brothers and a sister. So, what Maha says? I am Maha. I am a Pakistani girl. This is my home and I live in it with my family. I have two brothers and a sister. सो अब यहाँ पर हम स्पेलिंग्स को ड्रिल करेंगे. स्पेलिंग ऑफ माहा, स्पेलिंग ऑफ माहा. एम ए एच ए माहा, एम ए एच ए माहा. पाकिस्तानी, पी ए के आई एस टी ए एन आई, पाकिस्तानी. स्पेलिंग ऑफ गर्ल, जी आई आर एल गर्ल, G I R L girl. Home, H O M E home, H O M E home. Spelling of live, L I V E live, L I V E live. Spelling of with, W I T H with, W I T H with. Spelling of family, F A M I L Y family, F A M I L Y family. Spelling of two, T W O two, T W O two. Spelling of brothers, B R O T H E R S brothers, B R O T H E R S brothers. Spelling of sister, S I S T E R sister. Now what is next? अब हम आ रहे हैं अपने first para की तरफ. My home is my favorite place. What she said? Ma said, my home is my favorite place. ठीक है, come to the picture. Okay, now. ओके नाउ इट्स हर फेवरेट प्लेस. महा का फेवरेट प्लेस क्या है? उसका घर है. ठीक है, नाउ इट इज़ वेरी एयरी, इट इज़ वेरी एयरी. एयरी मीन हवादार, एयरी मीन हवादार. एयरी ए आई आर वाई एयरी, ए आई आर वाई एयरी. एंड ब्यूटिफुल, बी ई ए. अब हम सेकेंड लाइन पर है, सबके फिंगर सेकेंड लाइन पर हो. ब्यूटिफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटिफुल. फर्स्ट लाइन में हमारे पास क्या था? माई होम इज़ माई फेवरेट प्लेस, माई होम इज़ माई फेवरेट प्लेस. इट इज़ वेरी एयरी एंड ब्यूटिफुल, it is very airy and beautiful. Now in second line there is a full stop when a sentence is complete. It has two bedrooms comma, it has two bedrooms, one kitchen and a bathroom.
a sitting room and a drawing room for guest full stop. अब यहाँ सेंटेंस में उन्होंने क्या डिस्कस किया है, पहले कहा कि फेवरेट प्लेस है मामा का. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ एयरी, हवादार है एंड ब्यूटीफुल, खूबसूरत है. इट हैज़ टू बेडरूम्स, इसका जो ये घर है इसमें टू बेडरूम्स हैं, वन किचन है, बाथरूम है, अ सिटिंग रूम और लिविंग रूम है एंड अ ड्राइंग रूम फॉर द गेस्ट. किचन है, बाथरूम है, सिटिंग रूम एरिया है जहाँ हम टेलीविजन वगैरह वॉच करते हैं, ड्राइंग रूम है जहाँ पे हम गेस्ट को बिठाते हैं. एंड आई शेयर माई रूम, अब वहाँ पे टू बेडरूम्स हैं तो इट्स मीन वन इज़ फॉर द पेरेंट्स एंड वन इज़ फॉर द माहा. सो आई शेयर माई रूम विद माई ब्रदर एंड सिस्टर. शेयर मीन बांटना. आई शेयर माई रूम यानी अपना रूम, में अपना जो रूम हूँ मैं शेयर करती हूँ विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैं अपनी बहन के साथ और अपने भाइयों के साथ अपने उस रूम को शेयर करती हूँ, ठीक है, घर के उस रूम में. नाउ अब हम दोबारा से इस पर आएंगे. माई होम इज़ माई फेवरेट प्लेस, मेरा जो घर है वो मेरा फेवरेट प्लेस है, ठीक है. अब हम साथ साथ इसकी स्पेलिंग ड्रिल भी करेंगे, ठीक है. होम, स्पेलिंग ऑफ होम, H O M E home, spelling of home, H O M E home, spelling of favorite, F A V O U R I T E favorite. Now favorite, F A V O U R I T E favorite, spelling of place, P L A C E place. Spelling of place, P L A C E place. Spelling of very, V E R Y very. Spelling of very, V E R Y very. Spelling of eerie, eerie mean आपको क्या बताया था मैडम ने, हवादार, ठीक है, open, A I R Y eerie. A I R Y airy and beautiful, beautiful, spelling of beautiful, B E A U T I F U L, beautiful, spelling of beautiful, B E A U T I F U L, beautiful. Now अब सेकेंड लाइन में जो हमारे पास सेंटेंस आ रहा है उसमें क्या है, इट हैज टू बेडरूम्स, किसके इस घर में, टू बेडरूम, स्पेलिंग ऑफ टू, टी डब्ल्यू ओ टू, बेडरूम्स, बी ई डी आर डबल ओ एम एस, बेडरूम्स, स्पेलिंग ऑफ बेडरूम्स, बी ई डी आर डबल ओ एम एस, बेडरूम्स. वन किचन, स्पेलिंग ऑफ वन, ओ एन ई वन, स्पेलिंग ऑफ वन, ओ एन ई वन, spelling of kitchen, k I t c h e n, kitchen, spelling of kitchen, k I t c h e n, kitchen, k I t c h e n, kitchen. A bathroom, b a t h, bath, bath कहते हैं नहाने को, ठीक है, मामा कहती है ना take a bath, ठीक है, bath लें जाके, ठीक है, और आपको टीचर्स भी इंस्ट्रक्शंस करती रहती हैं बाथ लेने के लिए जब गर्मियों के दिन होते हैं. बाथरूम, बी ए टी एच, बाथ, आर डबल ओ एम रूम, बाथरूम. नाउ अ सिटिंग रूम, सिटिंग, एस आई डबल टी आई एन जी, सिटिंग, एस आई डबल टी आई एन जी, सिटिंग. Spelling of room, R double O M room. Drawing room, spelling of drawing, D R A W I N G, drawing, D R A W I N G, drawing. Room, R double O M room. For guest, spelling of guest, guest in Urdu meaning मेहमानों को कहते हैं, ठीक है, G U E S T S, guest.
GUEST, guest. Now, next sentence, I share my room. Share, share means bantna, share, 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 share. My, 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 room, 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 with, mean, ke saath, among, my brothers and sisters, spelling of brothers, 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 sister, sister, sister. Now, this is paragraph, my home and city, my home and city mein, we talked about my home. हमने my home के home के बारे में पढ़ा कि home में हमारे पास क्या parts हैं, outside parts, inside parts, ठीक है, उनके क्या names होते हैं, उनमें क्या difference होता है, ठीक है. इसके बाद हमने words meaning को भी drill किया है. Drill करने के बाद after this हमने अपना जो paragraph था related to my home, अभी हम my city पर नहीं आए, we talked about my home. My home में जो हमारे पास paragraph था, there is a girl named Maha. Maha thi, she's a Pakistani girl. This is her home. She lived there with their siblings and their parents. And it's her favorite place. The house is very airy and beautiful. It has two bedrooms, a kitchen, bathroom, dining room, sitting room. And also, she shares her room with the brothers and sisters. Okay? Now, अब आपको मैं नेक्स्ट चीज़ बता दूं, आपने इसमें होमवर्क भी करना है. होमवर्क कौन सा है, आपने अब वर्ड्स मीनिंग जो मैंने आपको ड्रिल करवाए हैं, वर्ड्स मीनिंग को याद करना है, और साथ ही आपने इस चैप्टर का जो दिस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ आपके सामने है, इसे आपने बार बार रीड करना है, ठीक है. राइट, कम टू द नेक्स्ट. अब हम नेक्स्ट पे आ रहे हैं, गैसिंग गेम. अभी जो हमने लेसन पढ़ा है, हम उसके बारे में चंद क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एंड वी कॉल इट गेसिंग गेम. मैंने गेसिंग गेम बनाई है. वो गेसिंग गेम किस तरह से है, लुक हियर, इन विच रूम डू वी कुक, कौन सा रूम है इसमें से जिसमें हम कुक करेंगे. यस, लिविंग रूम और अ किचन. हम अपने किचन में कुक करते हैं कि लिविंग रूम में करते हैं. वी कुक्ड इन अ किचन. यस, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे. राइट, सो नेक्स्ट क्या हमारे पास है, In which room do we sleep? Sleep means sona. हम किस रूम में, इन टू रूम्स में से किस रूम में सोते हैं, हम बाथरूम में सोते हैं कि बेडरूम में सोते हैं. Yes, we sleep in a bedroom. तो हम बेडरूम पर टिक लगाएंगे, ठीक है. Now, come to the next. Okay, what's the question? Look here, siblings हैं, what they are doing? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिबलिंग एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, एक दूसरे से चीज़ें भी ले रहे हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कि दे आर प्लेइंग टुगेदर, दे शेयर द थिंग्स, और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है. लुक डिफरेंस, आपके पास पिक्चर आ रही है. डू यू शेयर योर थिंग्स विद योर सिबलिंग्स? सिबलिंग्स मीन ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है. सो क्या आप भी इनकी तरह अपनी थिंग्स को, चीज़ों को शेयर करते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ? सो इफ़ You said yes, तो हम यहाँ टिक लगाएंगे. If you said no, तो हम यहाँ पे क्रॉस करेंगे, ठीक है. राइट, सो यहाँ तक आपको अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है. ओके नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. ओके, आई होप आपको मेरा इस लेक्चर की समझ आई होगी. अल्लाह हाफिज़.